विधानसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन शहर में राजनीतिक गहमागहमी का माहौल रहा। भाजपा कांग्रेस ने रैली सभा के जरिए चुनावी ताकत दिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन रैली की शुरुआत सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार ने बताया कि सोमवार को स्थानीय कुंदा तट स्थित सिद्धिविनायक गणेश मंदिर प्रांगण से रैली आयोजित की गई। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व संभागीय संगठन महामंत्री जयपाल सिंह चावड़ा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की संयुक्त नामांकन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का यह चुनाव केवल बिजली, पानी, खेत, खलिहान का चुनाव नहीं है। यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 में होने वाले चुनाव के पहले का चुनाव है। इस चुनाव में हमने खरगोन जिले की 6 सीटें जीत ली तो यह मानिए नरेंद्र मोदी जी को विश्व के नेता हैं, उनके हाथ को ताकत मिलने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मिशन को पूर्ण करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता 17 नवंबर तक संपूर्ण समय पार्टी को दें। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। कारण था तो एक कारण ये मानना चाहिए कि हम अपने खरगोन से अपनी सीटें नहीं जीता पाए। यदि हम अपनी 6 सीटें जीत लेते, खरगोन की 6 सीटें हम जीत लेते तो 14 महीने 15 महीने कांग्रेस का जो दंश था, कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी, वो दंश हमको झेलना नहीं पड़ता। और इसलिए आज संकल्प ले कि हम से किसी भी रूप में कोई कसर ना छूट जाए, कोई भी किसी प्रकार का कहने में ना आ जाए, कहीं बहकावे ना आ जाए, हमारे परिश्रम में कोई कमी ना रह जाए। अन्यथा जैसा मैं डरा भी रहा हूँ, मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूँ कि जैसा पिछली बार गलती हुई है वैसी अभी गलती हुई तो फिर से हमको ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो विकास हो रहा है, हमारे पूरे देश में जो सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, माँ का लोक बन रहा है, शंकराचार्य लोक बन रहा है, ऐसे कई जो काम हो रहे हैं उसमें बाधा खड़ी ना हो जाए। इसलिए आप आज सब लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि हम 17 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। जैसा आत्माराम जी ने और ब्रह्म कृष्ण जी भाई साहब ने बताया कि हमारी जो खेत का समय है, बोले अलग बात है, कर दिखाना अलग बात है। हमारी सरकार द्वारा, केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा लगातार जो जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से काम हुए हैं, जिसका आज सभी प्रत्याशियों को जिस प्रकार का हर क्षेत्र में जन समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस उसी को देखकर बौखला रही है। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि खरगोन जिले की 6 विधानसभा अधिक से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं और उसका अपार जन समुदाय का जो आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है वो ही दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार का जिस भाजपा के साथ माहौल है, हम 2/3 से अधिक बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार का उत्साह जिस प्रकार से आज हमारे प्रत्याशी मतदाताओं के बीच में जाता है और उनका जो आशीर्वाद स्वरूप घर के अंदर थाली लाना, तिलक करना और विजय भाव का आशीर्वाद देना और अति उत्साह के साथ परिवार ने साथ में दूसरे परिवारों तक संपर्क कराना, ये सीधा दर्शाता है कि परिवार के परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ। स्टार प्रचारक तय हुए क्या, कौन बनाए? हाँ, तय हो चुके हैं, उनकी जल्दी हमारी जानकारी सूचनाएं आ जाएगी और उसके आधार पर सभाओं के माध्यम से कार्यक्रम होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।